साथियों, आज जब भारत में हम विकास को गति देना चाहते हैं तो हमें उभरते हुए ट्रेंड्स को अच्छी तरह समझना होगा और इसलिए आज मैं आपसे ग्लोबल बिजनेसेस को प्रभावित करने वाले पांच बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव। दूसरा, ग्लोबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में तेजी से हो रहा बदलाव। चौथा, कंपेशन फॉर एनवायरमेंट। और पांचवा ट्रेंड है बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ते हुए प्रभाव के हम चश्मदीद गवाह हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च से आगे बढ़कर आज रोजमर्रा के जीवन का भाग बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के इस बदलाव का उन समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिनमें नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और उन पर फ्यूचर इनोवेशन का कल्चर विकसित हुआ है। भारत में हमने इस कल्चर को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंजेज हो या हैकेथॉन्स हो या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां वो इनोवेशन को खुद अनुभव करते हैं। आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्राइज एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स आर एजिंग एवरीथिंग फ्रॉम फूड डिलीवरी टू ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटैलिटी टू मेडिकल ट्रीटमेंट टू टूरिज्म। और इसलिए विश्व के सभी इन्वेस्टर्स, खासकर वेंचर फंड से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में इनोवेशन में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा और ये रिटर्न्स सिर्फ भौतिक नहीं होंगे बल्कि युवाओं को एम्पावर करेंगे।